ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भरतपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी जो है वो हाथी पर सवार होंगे और बसपा ज्वाइन करेंगे। भरतपुर विधानसभा सीट से होंगे बसपा के उम्मीदवार, जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जी मीडिया ने पहले इसके संकेत भी दिए थे। गिरीश चौधरी जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी के दो बार जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही पत्नी उप जिला प्रमुख और भाभी जो है वो जिला प्रमुख रह चुकी है। अब ऐसे में गिरीश चौधरी के मैदान में उतरने के बाद सुभाष गर्ग की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो देखिए, ये बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव जो खबर है वो जी राजस्थान जी मीडिया के पास है, जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं और पहले भी हमने संकेत दिए थे इस बात के। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भरतपुर से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे सहयोगी देवेंद्र बारसल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, ये एक्सक्लूसिव खबर जो है जी मीडिया के पास कि जो गिरीश चौधरी हैं वो कल हाथी पर सवार हो सकते हैं और ऐसे में मुश्किलें जो है वो कांग्रेस की कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ती नजर आई। जी अंकुर, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ये खबर बिल्कुल कंफर्म है कि गिरीश चौधरी कल हाथी पर सवार होंगे। कांग्रेस को एक बड़ा झटका, वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं और हाथी पर सवार हो रहे हैं और हाथी पर सवार होकर ही जो भरतपुर विधानसभा का चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। कल उनके बसपा की ज्वाइन करने की आधिकारिक घोषणा होगी, कल वो बसपा ज्वाइन करेंगे और उसके साथ ही उनके भरतपुर विधानसभा से उम्मीदवारी की प्रत्याशी बनाने की भी घोषणा होगी। और इस बात पर बिल्कुल लगातार हमारे पास इस तरह की एक्सक्लूसिव जानकारी है और लगातार वो यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर जो बसपा सुप्रीमो उससे भी मुलाकात उनकी हो चुकी है और लगातार पहले भी वो मिलकर आए थे, तब भी हमने इस तरह की खबरें हमारे दर्शकों को दिखाई थी। और इस बात को सामने आने के बाद ये बात कंफर्म हो गई है, गिरीश चौधरी हाथी में सवार होने वाले हैं और गिरीश चौधरी जब भरतपुर में चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुभाष गर्ग जो आरएलडी से आते हैं, गठबंधन से, यहाँ अपने आपको प्रत्याशी बता रहे हैं। हालांकि अभी कांग्रेस और आरएलडी का गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह को आरएलडी के नेता लगातार दावे करते रहे, चाहे जय चौधरी की बात करें या सुभाष गर्ग की बात करें, तो निश्चित रूप से हो सकता है भरतपुर सीट पहले की तरह गठबंधन के खाते में जाए और सुभाष गर्ग फिर से उम्मीदवार हो यहाँ पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुभाष गर्ग की मुश्किलें बढ़ने वाली, क्योंकि सुभाष गर्ग के कैंप से ही आते हैं। सुभाष गर्ग जब उनको टीम मेयर बनाया गया था, अभिजीत जाटव को मेयर बनाया गया था और डिप्टी मेयर बनाया गया था, नदवई से दो बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो मीनू सिंह है वो जिला प्रमुख रही है, उनकी भाभी जो लीलावती है वो जिला प्रमुख रही है। बड़ा पॉलिटिकल परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल परिवार रहा है और कांग्रेस का साथ भी रहा है पूरे परिवार का। और ऐसे में अब जब गिरीश चौधरी ही साथ छोड़ने जा रहे हैं तो फिर कांग्रेस किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल कर पाएगी, कैसे इस बड़े झटके को सह पाएगी, ये फिर यहाँ पर देखने वाली बात होगी। ठीक है देवेंद्र, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे, चित्तौड़गढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।